अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उस्मान अली। आज हम यूएस एस्टिमेशन का एक नया स्कोप करेंगे जो कि एमईपी से रिलेटेड है, और एमईपी के अंदर हम सबसे पहले प्लम्बिंग करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अगर आप ये समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ उसको जो उनसे ना वो शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डोमेस्टिक पार्ट जो है वो कवर करेंगे। ये लार्ज है, ठीक है, जिसका हमने प्लम्बिंग करनी है। ठीक है, अब ये इसका डोमेस्टिक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये इसका सैनिटरी का पार्ट है, और ये वहाँ पर इसके देखें तो ये डोमेस्टिक का राइजर है, ये सैनिटरी का राइजर है, और ये डोमेस्टिक का राइजर है। सबसे पहले डोमेस्टिक पार्ट कवर करते हैं। डोमेस्टिक पार्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ये जो लीनियर फिट वाले हैं पाइप, पहले हमने ये मार्क करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उसने साइज दिया हुआ है हाफ इंच का, ये दिया हुआ है वन इंच का। अगर एक डॉट है तो वो कोल्ड वाटर है, दो डॉट है तो वो हॉट वाटर है, इसी तरह अगर तीन डॉट आ जाए तो वो हॉट वाटर रिटर्न का पाइप है। ये तीन किस्म के पाइप जो उनसे हैं वो डोमेस्टिक के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने करना है क्या, हमने सिर्फ इनका साइज लिखना है और हमने लीनियर फिट मार्क कर देना है। अब ये वाला पाइप जो चल रहा है हमारा हाफ इंच का, यहाँ पर आएंगे तो ये 3/4 इंच का है। अब ये जो ब्रांच निकल रही है ये उसने नहीं बताई हुई कि ये कौन सी है। हम देखते हैं कि ये P8 के साथ चल रही है, ये P8 है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये P8 है, P8 यहाँ पर भी है, कॉर्नर पे P8 है ये है। अब ये हाफ इंच है तो ये भी जो उनसा ना वो, क्योंकि ये नीचे हाफ इंच आ रहा है, ये भी हाफ इंच है तो ये वाला भी हाफ इंच ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ये वाली ब्रांचें निकल रही हैं इसमें से ये सारी हाफ इंच की हैं। ठीक है, तो हम इसको लीनियर फिट मार्क करते हैं इसका। हाफ इंच कोल्ड वाटर के नाम से यहाँ पर ये मार्क कर दिया, और यहाँ पर ये भी ब्रांचेज निकल रही हैं तो ये भी हाफ इंच की होंगी, जैसे कि यहाँ पर उसके बाद ये 3/4 इंच का, ये 1 इंच इसने कंटिन्यूटी इसलिए शो की हुई है कि जहां से उसने इनलार्ज ये वाला कट है ना, वहां पर ये सेंटर में पाइप उसने कॉमन एरिया में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा
यहाँ पर आना है। इस तरह हॉट वाटर जो उनसे है वो हम करेंगे 1 इंच। हॉट वाटर ये है और हॉट वाटर में से हाफ इंच ब्रांच निकलेगी। ये बार 4 इंच हॉट वाटर डालना। और यहाँ से ये 1 इंच का ही निकल रहा होगा, 1 इंच हॉट वाटर। ये इसका लीनियर फिट यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम जाते हैं इसके राइजर के ऊपर। राइजर के ऊपर ये जो पाइप चल रहे होते हैं ये वाले डोमेस्टिक के, ये हमारे चल रहे होते हैं सीलिंग के अंदर। तो सीलिंग के अंदर ये पाइप चल रहे हैं तो हमने सीलिंग की हाइट देखनी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका प्लान नहीं है तो सीलिंग का, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर ये 10 फीट की इसकी सीलिंग की हाइट है, ठीक है, तो 10 फीट सीलिंग की हाइट के अंदर ये पाइप चल रहे हैं डोमेस्टिक के, ठीक है। अब ये 10 फीट सीलिंग की हाइट से ये नीचे फिक्स्चर के पास आ रहा होता है ये वाला पाइप, ठीक। अगर ये फिक्स्चर के पास ये वाला पाइप आ रहा है तो फिक्स्चर जाहिर है फ्लोर के साथ तो अटैच नहीं है, वो फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे अगर सिंक की बात करते हैं वो 3 से 4 फीट के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम वाटर क्लोजर की बात करते हैं वो 1 से 2 फीट के ऊपर लगा होता है। इस तरह वो डिफरेंट जोन है, वो इनके हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो
अगर तो हम इसको जो है ना वो एज्यूम कर लें, मतलब अगर एवरेज लेकर चल लें, एवरेज लेकर अगर चलते हैं तो मैं इसको 7 फिट ले लेता हूँ, ठीक है 7 फिट ले रहा हूँ, मतलब 3 फिट इसका जो है ना वो मैं नीचे से डिटेक्ट कर रहा हूँ जो कि फ्लोर से ऊपर है, ठीक है 7 फिट अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो 7 फिट के हिसाब से मैं जितने भी ये वाले राइजर हैं ये सारे मार्क कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट, कोल्ड वाटर ऑरेंज कोल्ड वाटर ये सॉरी यहाँ पर कोल्ड वाटर का मुझे लगाने, ये हॉट वाटर ये लगा दी। ये कोल्ड वाटर के हो गए, हमने हॉट वाटर के लगाने हैं, हॉट वाटर के आ गए 1/2। इसके राइजर हो गए, ठीक है। अब हमने इसके काउंट लगा ली है, काउंट लगाने के बाद अब हम इसकी हाइट जो सी है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको अलग फोल्डर में रखेंगे राइजर के नाम से, ठीक है, और इसको हम इसके अंदर रख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा डोमेस्टिक। अच्छा इसके बाद हमने कनेक्शन करने हैं, कनेक्शन जोन्स हैं वो डोमेस्टिक के अंदर से 2 किस्म के आते हैं, या तो 90 डिग्री का बैंड आता है या टी आते हैं, ठीक है। टी के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टी आ रहा है तो ये 1 इंच का ये है, 1 इंच का ये है, जो कि आगे जाके यहाँ पर जो है वो 3/4 इंच का स्टार्ट हो गया, और यहाँ से ये जो ब्रांच निकल रही है वो 1/2 इंच की है, तो हम इनकी तीनों डिमेंशन यहाँ पर लिखेंगे 1 इंच क्रॉस 1 इंच क्रॉस 1/2 इंच टी, ये हो गया। इसी तरह हमने इसका बैंड निकालने, बैंड जितने भी आएंगे अभी 1/2 इंच का ये और 1/2 इंच का ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंच नाइन्टी डिग्री बैंड, पर यहाँ पे हम ये बैंड लगा देंगे इस तरह, ये जितने भी टी और जितने भी बैंड जोन्स हैं वो इस तरह से ये कनेक्शंस आ जाएंगे कनेक्शंस के नाम से।